हाथों को उठाओ। पवित्र आत्मा, हम तैयार हैं आपको सुनने के लिए, आपके स्पर्श को ग्रहण करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है चर्च, स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है यीशु मसीह की जीवित हजूरी में। आमेन। हालेलुया। जब मैंने आपको ये बोला था कि पंजाब में लोग अन्न लेने के लिए लाइंस में होंगे, किसी ने बिलीव नहीं किया था। कहते पंजाब में जहां अन्न उगता है, जहां का अन्न दुनिया को खिलाता है, वहां के लोग कैसे लाइन में खड़े हो सकते हैं? सुनो मेरी बात, अपने हाथों को उठाओ। सुनो, हर बात पे आमीन बोलना जरूरी नहीं। अगले 10 साल, जो आने वाले अगले 10 साल हैं वर्ल्ड के लिए, चाहे वो दुनिया की बेस्ट कंट्री हो, चाहे वो आपकी ड्रीम कंट्री हो, परमेश्वर मुझे दिखा रहा है फूड की शॉर्टेज बेस्ट कंट्रीज में भी आपको प्रार्थना करनी है। अपने हाथों को उठा के सुनो मेरी बात, तालियां क्यों बजा रहे हो? सुनो सुनो, अगले 10 साल, आपको ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब इन्हीं वर्ड्स की तरह ये वर्ड्स भी पूरे होंगे, आपको मालूम होगा कि आप जीवित परमेश्वर की संतान हो। और आपको ये भी मालूम होगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो पहले से बताया नहीं गया। एक भी वर्ड ऐसा नहीं है जो आपको पहले से बताया नहीं गया। आपका नाम फेसबुक पे लिखा है, आपके बच्चे कितने हैं वो भी लिखा है, लेकिन जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये किसी पे नहीं लिखा। अगले 10 साल जो लीडिंग कंट्रीज हैं वहां फूड, जब लोग ऐसे ग्रोसरी स्टोर्स पे जाया करेंगे, वहाँ उनको जो खाने हैं वो खाली मिला करेंगे, और हमेशा शॉर्टेज रहेगी। और ऐसे लोग बताया करेंगे कि अच्छा कितने परिवार में मेंबर हैं, इतने, ओके आपको इतना मिलेगा। ये जस्ट स्टार्टिंग होगी, शुरुआत होगी जो आने वाला समय है, जहाँ पे जब परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को लेके जाना और जो बच जाएंगे लोग, उनको बताया जाएगा कि अगर तुमने खाना लेना है तो तुम्हें यीशु मसीह को छोड़ना पड़ेगा। ये उस चीज का जस्ट एक शुरुआत कह लो, या उसका एक एग्जाम्पल कह लो, कि जैसे आपने 100 मेज बनवाने हो और आप मिस्त्री को बोलते हो कि आके पहले मुझे बना के दिखा कि वो मेज कैसा होगा। वो मिस्त्री आके एक मेज बनाता है, वो बोलता है कि ऐसा बना सकता हूं। ये जस्ट एक मेज है, ताकि आने वाले टाइम में लोगों को मालूम होगा कि हमें तैयार रहना है। अभी आपको सॉल्वेशन इजी मिल रही है, आपको, आप मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, आप आते हैं चर्च में, सॉल्वेशन ग्रहण करते हैं और चले जाते हैं। आने वाले समय में ऐसा नहीं होगा। यीशु मसीह को ग्रहण करना मतलब अपनी जान को दांव पर लगाना, राशन से दूर रहना, सोशल से दूर रहना, सरकारी चीजों से दूर है, ऐसा आने वाले समय में होगा। और ये एक सिंपल एग्जाम्पल होगी जो आने वाले अभी 10 साल में होगा। आपको क्या करना है आने वाले 10 साल में? जितने मिरेकल्स 10 साल में, आने वाले 10 साल में होंगे, पिछले 2000 साल में नहीं हुए, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ 10 साल में इतने मिरेकल्स होंगे, इतने मिरेकल्स होंगे, इतने मिरेकल्स होंगे, इतने लोग सेवा के लिए उठेंगे अगले 10 साल में, आप हैरान हो जाओगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगले 10 साल में इतने मिरेकल्स होंगे, इतने लोग बचेंगे, इतने लोग सेव होंगे, जो ढीठ सोल्स हैं, जो ढीठ प्रजातियां हैं, अगले 10 साल जो इस धरती पे होने वाला है वो भी परमेश्वर के सामने घुटने टेक देंगे। आप बोलोगे ऐसा क्यों हुआ? आप बोलोगे ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि जैसे जैसे ये अंत के टाइम, अंत का घंटा नजदीक आता जा रहा है, परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी जो मैजेस्टी है, उसकी जो हॉर्न जिसको बोलते हैं, उसकी जो पावर है, उसकी जो प्रेजेंस है, वो लोगों को मालूम हो।
आने वाले 10 साल में हर एक इंडिया का सेलिब्रिटी वचन सुन चुका होगा। हर सेलिब्रिटी, वो प्रभु में आता है नहीं आता है ये तो हर इंसान का पर्सनल मामला है। आने वाले 10 साल में हर एक सेलिब्रिटी वर्ड सुन चुका होगा, यीशु मसीह को जानता होगा, मिरेकल जानता होगा, पावर जानता होगा, वर्ड जानता होगा। बाकी उसका डिसीजन है वो क्या करता है। आने वाले 10 साल ऐसे मार्वलस होने वाले हैं, जो लोग पवित्रता में होंगे, जो लोग सेवा करते होंगे, जो लोग परमेश्वर में बड़े और पूरे होंगे, वो चमकना अब छोटा होगा। वो ऐसे मारेंगे लिशकारा, आंखें बंद कर देंगे लोगों की। आने वाले 10 साल सिर्फ, मैं सिर्फ 10 साल की आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, जस्ट 10 ईयर। आने वाले 10 साल, हालेलुया, अपने हाथों को उठाओ। शॉर्टेज अच्छी चीज नहीं, लेकिन ये होगा, पवित्र आत्मा कहता है, देशों के साथ, एक दो देश नहीं, बहुत देशों के साथ फाइट करेंगे, बल्कि देश खाने के लिए। आपको हाथों को उठाना है कि परमेश्वर तेरे लोगों को तू बचा, देशों को बुद्धि दे, इन समयों में तेरा सुसमाचार तेजी से फैले। मांगो अपने हाथों को उठा के थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपनी सीट को ग्रहण करो, अपनी बाइबल को उठाओ, अपने होंठों को खोलो बिना आवाज किए, बोलो परमेश्वर ये वचन मेरे लिए है। अपनी आंखों को बंद करके बाइबल को उठाओ, अगर नहीं है तो आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। कांग्रेचुलेशंस चर्च, आज के दिन भी आपका यहां उपस्थित होना वो बात अलग है, भवन तैयार हो चुका है, अब हम चले जाएंगे, पर ब्रांचेस अभी भी वैसे ही होंगी, तो वो वही एक्सपीरियंस करेंगी जो हमने इतने साल किया है। हालेलुया, और ये अच्छा एक्सपीरियंस, हाँ, और ये अच्छा एक्सपीरियंस। लोग कंप्लेंट करते हैं, हम लोगों को बसेस भेजते हैं, हम उनको एसी हॉल देते हैं, उनको हीटिंग हॉल देते हैं, फिर भी वो चर्च में आते नहीं। हम आपको कुछ भी नहीं दे रहे, फिर भी आप चर्च में मौजूद हैं, पता है क्यों? सुनो, वो मिरेकल जिसकी आप वेट कर रहे हो, वो इम्पॉसिबल काम पॉसिबल होगा आज यीशु मसीह के नाम में आपकी लाइफ। वो अनॉइंटिंग आपके लाइफ पे हिट करेगी आज, और आप सेम वापिस नहीं जा रहे हो। हर वो चीज जो शैतान ने पकड़ी आपकी लाइफ से, छोड़ दे अभी और आउट हो आपकी लाइफ से। हालेलुया, अपनी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी को देने के लिए तैयार हो जाओ। आमेन, आमेन, बिगेस्ट टेस्टिमनी को देने के लिए तैयार हो जाओ। वो स्पर्श जिसका आप इंतजार कर रहे हो, मैंने कहा वो मिल चुका है आपको, देने के लिए टेस्टिमनी तैयार हो जाओ। हालेलुया, अगले 10 साल हमें तैयारी करनी है। अगले 10 साल में अगर आप खड़े रहे और सेकंड आप परमेश्वर की सेवकाई में रहे, हाँ, जितना भी हो सके, एक पास्टर की तरह तो हर कोई सेवा नहीं कर सकता, लेकिन अगले 10 साल अगर आप उस चीज में रहे, मैंने कहा चमकना छोटी बात है, आप लिशकारा मारेंगे जबरदस्त। ये जो आप आज देख रहे हो, ये मैंने 15 साल पहले प्रोफेटिक वर्ड दिया था, जो आज आप अपनी आंखों से देख रहे हो। अगर आज आप यहां बैठे हो तो लाखों लोग टीवी पे बैठे हैं मुझे देखने के लिए। मैंने कहा था कि लोग टीवी पर मीटिंग को अटेंड करें, तब पता नहीं था कैसे होगा, इंटरनेट नहीं था, तब विश्वास की प्रोफेसी नहीं थी कि आने वाले समय में ऐसा होगा, तो मैं विश्वास से एक प्रोफेसी करूं।
वो एक रियल प्रोफेटिक वर्ड था, बिना टेक्नोलॉजी का सहारा लिए मालूम हुए कि क्या होगा आने वाले 10 साल में। अगर आपने अपने आप को और अपने परिवार को, अपनी लाइफ को, अपने फाइनेंस को डेडिकेट कर दिया परमेश्वर के लिए, इम्पॉसिबल होगा आपको हराना, आपका टूटना, आपका गिरना, झड़ना। आने अभी लोग आपके साथ अपनी लाइफ को मैं आपको प्रोफेटिक मैसेज दे रहा हूं आज। अभी तो लोग, अन्य जाति लोग आपके साथ अपनी लाइफ को कंपेयर करते हैं, बोलते हैं अच्छा आपके पास तो ये, अच्छा हाँ हमारे पास भी है, थोड़ा ठीक ठीक है, अच्छा आपके पास ये। पर आने वाले समय में आपकी ब्लेसिंग्स कंपेयर नहीं होगी उनसे। आपकी ब्लेसिंग जस्ट माउथ शट कर देगी लोगों को। मैं सच कह रहा हूं, मैं आपको सच कह रहा हूं, वो ब्लेसिंग जो मूसा ने अजगर बनाया लाठी को, कहते हम भी बना सकते हैं, उन्होंने भी बना दिया। मूसा का अजगर उनके अजगर को खा गया, उन्होंने कहा हम, मूसा ने कहा पानी को लहू बना सकता हूं, बना दिया, उन्होंने भी बना दिया। लेकिन एक टाइम आया जब वो मूसा को कॉपी नहीं कर सके, कहते ये तो परमेश्वर के हाथ का काम है, इसे हम कॉपी नहीं कर सकते। वो टाइम आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी ब्लेसिंग्स कॉपी नहीं होगी, आपकी ब्लेसिंग्स मुंह बंद रखेंगे लोगों का। ओ आमीन, हो चाहिए बरकत तुम्हारी है चर्च। हालेलुया। आने वाले 10 सालों में शैतान अपने जो वेपन्स हैं उनको बढ़ाएगा, उसके हथियारों को वो बढ़ाएगा। जिन चीजों में कभी लोग बिगड़े नहीं, उनमें भी बिगड़ते हुए आपको बच्चे नजर आएंगे। नए नए ड्रग्स, नए नए नशे, नए नई चीजें, नए नए सिस्टम, व्यभिचार एक अलग मोड में, एक अलग लेवल पे आपको नजर आएगा। लेकिन ये अगले 10 साल अगर आपने डेडिकेट कर दिए, अगले 10 साल अगर आपने अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रख लिया, अगले 10 साल अगर आपने परमेश्वर को पूरा डेडिकेट कर दिए, दैट्स इट। वो आपके 10 साल आपके वंशों तक नजर आएंगे, वंशों तक, जनरेशंस तक। आप चाहते हैं मैं आपको प्रोफेटिक मैसेज दूं? हाँ, आप चाहते हैं कि परमेश्वर की आवाज को हम सुने और समझें? अगले 10 साल गोल्डन ईयर्स हैं हमारे लिए। आपको जस्ट वो करना है जो बाइबल कहती है। अगर बाइबल कहती है कि तू अगर मेरी सेवा करेगा तो मेरा पिता तेरा आदर करेगा, तो सेवा किसके लिए? क्या परमेश्वर लालची है सेवा का? क्या वो हमारे लिए है? इसको मैं वचन से साबित करूंगा। एस्तर की पुस्तक 4:1-16। उसमें लिखा, जब मोर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दकै वस्त्र फाड़ टाट पहन राख डाल नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। जब मोर्दकै को मालूम हुआ कि मेरी सारी जाति को हमान नष्ट कर देगा राजा की आज्ञा पाकर, तो बाइबल कहती वो चिल्लाने लगा, रोने लगा, टाट पहन लिया। अब हम पढ़ेंगे, उससे पहले ये स्टोरी को समझना जरूरी है। 5 आयत में लिखा, तब एस्तर ने राजा के खोजों में से एक को, जिसे राजा ने उसके पास रहने को ठहराया था, बुलाकर आज्ञा दी कि मोर्दकै के पास जाकर मालूम करे कि क्या बात है। हमें मालूम है कि राजा ने उस चिट्ठी पर अपनी मोहर लगा दी कि जाके सारे यहूदियों को, जितने भी इस देश में यहूदी हैं, सबको खत्म कर दिया जाए। किसी ने चुगली कर दी कि यहूदी लंगर नहीं खाते, प्रसाद नहीं खाते, राजा किसी भी टाइम तेरे खिलाफ हो सकते हैं, इनको मारना जरूरी है। राजा हमान की बातों में आके मरवाने के लिए चिट्ठी पे साइन कर दिए। जब चिट्ठी पे साइन हुए तो मोर्दकै, जो एक वफादार सिपाही था राजा का,
वो यहूदी था और वो रोने लगा और टाट पहन लिया। जब रानी को मालूम हुआ तो रानी ने कहा तू क्यों रो रहे है? तो उसने बताया कि इस तरह की आज्ञा राजा ने दी है। 8 आयत में लिखा फिर यहूदियों का विनाश करने की जो आज्ञा शूशन में दी गई थी उसकी एक नकल भी उसने हताक के हाथ में एस्तर को दिखाने के लिए दी और सब हाल बताने और आज्ञा देने को कहा कि भीतर राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए विनती कर। तब हताक ने एस्तर के पास जाकर मोर्दकी की ये बातें सुनाई। अब आगे बढ़ेंगे 11 आयत को। राजा के सब कर्मचारियों वरन राजा के प्रांतों के सब लोगों को मालूम है क्या पुरुष क्या स्त्री कोई भी क्यों ना हो जो बिना आज्ञा भीतरी आंगन में राजा के पास जाएगा उसके मार डालने की आज्ञा है। केवल जिसकी ओर राजा सोने का राजदन बढ़ाए वही बचता है। और 30 दिन से 1 महीने से मैं राजा के पास नहीं बुलाई गई। एस्तर की ये बातें मोर्दकी को सुनाई गई। जब मोर्दकी ने एस्तर के पास कहला भेजा कि तू मन ही मन विचार ना कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो किसी ना किसी को परमेश्वर किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार कर देगा परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी और क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मोर्दकी के पास कहला भेजा तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर तुम सब मिलकर मेरे लिए उपवास करो 3 दिन रात ना तो खाओ ना पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊं यदि नष्ट हो गई तो हो गई। जब एस्तर ने भेजा अपने बंदे को क्या बात है कि मोर्दकी उसका जो बाप समान मोर्दकी जिसने उसको पाला था क्यों रो रहा है ये। उसने कहा कि आज्ञा निकालेगी सब यहूदी खत्म हो जाएंगे। उसने कहा तू जाके राजा को बोल राजा से विनती कर तू रानी है राजा तेरी बात को सुनेगा। उसने कहा मैं 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं क्योंकि जब राजभवन में जाते हैं जब कोई बंदा प्रवेश करता है जो अगर राजा ऐसे राजदंड बढ़ाता था इस तरह से तो वही बंदा अंदर आ सकता था। अगर राजा की मर्जी बिना तुम अंदर गए तो जो सिपाही थे वो तुम्हारा खून कर देते थे। उसने कहा मैं 1 महीने से बुलाई नहीं गई हूं इसलिए मैं नहीं जा सकती अंदर। उसने कहा अगर तू अंदर नहीं जाएगी तो परमेश्वर तो अपनी जाति को किसी ना किसी उपाय से बचा ही लेगा पर तू अपने घराने समेत नाश होगी और क्या जाने परमेश्वर ने तुझे इसी दिन के लिए ही बचाया था और तुझे अंदर भेजा था। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो जिन रूहों को परमेश्वर ने बचाना है वो किसी ना किसी रीति से तो उनको बचा लेगा लेकिन बाइबल कहती है कि तू अपने घराने समेत क्या होगी नष्ट हो जाएगी। और क्या जाने परमेश्वर ने इसी काम के लिए तुझको पैदा किया तैयार किया तेरी प्रिपरेशन की तेरी तैयारी की ताकि जब ऐसा समय आए तू अपने लोगों के लिए खड़ी हो सके। जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है वो ये नहीं कि आपसे कुछ चाहता है वो पैसा वो ताकत वो टाइम वो सेवा बाइबल कहती है वो सब कुछ आप लोगों के लिए है। अगर आज से 17 साल पहले मैंने टाइथ देने का फैसला किया टाइथ एक हुक्म नहीं है हुक्म से पहले वो एक कवनेंट है वो एक वाचा है। आज मैं अगर ब्लेस हूं तो उसी वजह से हूं। उसने कहा कि अगर तू सेवा नहीं करेगी अगर तू लोगों को नहीं बचाएगी तो परमेश्वर किसी ना किसी उपाय से लोगों को बचा लेगा क्योंकि उसी यहूदियों में यीशु मसीह का वंश था तो परमेश्वर तो अपने वंश को बचा लेगा ताकि यीशु मसीह का वंश नाश ना हो और आने वाले समय में लोग बचाए जाएं पर तू अपने घराने समेत क्या होगी नाश होगी। जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है वो सेवा हो सकती है वो किसी भी तरह का काम हो सकता है उसके जरिए एक्चुअल में परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है और अपने हमारे घराने को वो आशीषित करना चाहता है। उसने कहा तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी तेरा पूरा घराना नाश होगा लेकिन लोग नाश नहीं होंगे। हालेलुया। उसने कहा अगर तू बचाई जाना चाहती है अगर तू चाहती है कि तू बचाई जाए
तेरा घराना बचाया जाए, तो उस समय राजा के पास जा और विनती कर। जब उसने सेवा करने के लिए उसको बोला तो उसने क्या कहा कि आगे बहुत दिक्कतें हैं, मैं राजा के पास बुलाई नहीं गई हूं, मेरी लाइफ का रिस्क है सेवा करने में। तो परमेश्वर ने कहा जो कुछ तू मेरे लिए खोएगा वो कुछ तू पाएगा, जो कुछ तू मेरे लिए छोड़ देगा वो तू पाएगा, अगर तू डर कर मुझे छोड़ देगा तो वो चीजें तू गवा देगा जो तू पाना चाहता है। हालेलुया। मैंने आपको स्टोरी बताई थी ऐसे व्यक्ति की जो मेरी लाइफ में था, और उसने यीशु मसीह के लिए पहले सब कुछ छोड़ा, फिर बाद में बैकस्लाइड हो गया, फिर यीशु मसीह को छोड़ के सब कुछ पा लिया और आज सब कुछ गवा दिया, माता पिता समेत। अगर परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है तो एक्चुअल में वो हमें सेव कर रहा है, हमें बचा रहे हैं, आपके परिवार को सेव कर रहा है, आपके परिवार को बचा रहा है। आमीन, ऊंचा चाहिए। अपने हाथों को उठाकर बोलो, परमेश्वर मैं तेरी सेवा को करने पाऊं। होंठ को खोलो, अंगीकार करो। उसने कहा मेरी लाइफ को रिस्क है, मैं तो राजा के पास 30 दिन से बुलाई, राजा ने तो मुझे याद भी नहीं किया पिछले 30 दिन से, अगर नियम के खिलाफ जाऊंगी तो मुझे मार देगा राजा। जब आप सेवा करने लगते हैं आपको रुकावटें आती हैं, आप जब परमेश्वर में चलने लगते हैं आपको मुश्किलें आती हैं, थ्रेटनिंग आती हैं आपको, छोड़ने की धमकियां आती हैं आपको, मरने की धमकियां आती हैं आपको, डूबने की धमकियां आती हैं आपको, फिर परमेश्वर देखता कि आप उन धमकियों के बारे में ध्यान रखेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, या परमेश्वर में अपने आप को डुबोने की कोशिश करेंगे। अगर आप परमेश्वर के लिए अपने आप को डुबोने की कोशिश करेंगे, वो आपको तैरना भी सिखाएगा, ऊंचा होना भी सिखाएगा। और अगर आप परमेश्वर को छोड़ देंगे कि मैं मर ना जाऊं, तो वो लाइफ जाने वाली, वो फाइनेंस जाने वाला है, वो परिवार भी जाने वाला, उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर एक्चुअल में परमेश्वर उन्हीं को ब्लेस करने के लिए आपको ये कहते हैं। आमेन। उसने कहा मैं बुलाई नहीं गई हूं, क्योंकि जब आपको सेवा करनी होती है आप उसे आराम से नहीं कर सकते, आपको चैलेंजेस आएंगे, वो चैलेंजेस लाइफ पर भी बना सकते हैं, वो चैलेंजेस कई तरह के हो सकते हैं, वो चुनौतियां कई तरह की हो सकती हैं, लेकिन बाइबल कहती है उसने वो चैलेंज लिया, उसने कहा ठीक है आज से तुम उपवास करो 3 दिन रात के, मैं भी रखती हूं, मैं नियम के खिलाफ जाऊंगी, नियम के क्या करूंगी, खिलाफ जाऊंगी, और फिर मैं जाके राजा को बोलूंगी। और बाइबल कहती है जब उसने परमेश्वर की ताकत का सहारा लिया, नियम के विरुद्ध राजा के पास गई, परमेश्वर ने राजा के दिल में उसके लिए फेवर डाला, वो भी बचाई गई, मोर्दकै बचाया गया, यहूदी बचाए गए, पूरी जाति बचाई गई, हमान नाश हुआ, उसका घराना नाश हुआ जो लोग उनको नाश करना चाहते थे, एक स्टेप परमेश्वर में लिया गया। आमेन। वो कितनी बड़ी बरकत को पैदा कर सकता है, जस्ट एक स्टेप लिया गया। परमेश्वर ने कहा यहोशू मैं तुझे वो देश जो तेरे सामने है, जो मैंने वायदा किया था अब्राहम से, अपने लोगों से, मूसा से, इज़राइलियों से, कि मैं वो देश तुम्हें दूंगा, पर ऐसा कर व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मन से कभी भी उतरने ना पाए, इसको अपने मन में रखना, ना तो दाहिने मुड़ना ना तो बाहिने मुड़ना। आप जानते हैं इज़राइलियों की जो सफलता थी वो यहोशू के व्यक्तिगत संबंध के ऊपर, जो उसका परमेश्वर के साथ था, उस पर निर्भर करती थी। कितनी गहरी बात है। इज़राइलियों की सफलता यहोशू की पर्सनल लाइफ जो उसकी परमेश्वर के साथ थी उस पर निर्भर करती थी।
और लोग बोलते हैं किसी भी चर्च में चले जाओ कोई फर्क नहीं। परमेश्वर ने कहा यहोशू ये लोग जो मेरे हैं मैं उनको कनान में लेके जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं, पर तू अपने व्यक्तिगत संबंध जो मेरे साथ हैं उन्हें मजबूत कर ले। और तू मेरे साथ अपने संबंध को मजबूत कर, ना तो दाहिने मुड़ना ना बाहिने मुड़ना। और व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मन से कभी उतरे ना, इसको पूरा करना। तेरा मन कच्चा ना हो, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। और तू उस देश का अधिकारी जो मैंने इनसे वायदा किया तू इनको कर देगा, पर तेरे पर्सनल रिलेशनशिप मेरे साथ होने चाहिए। जब आपका पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ है उसका असर आपके परिवार पे होगा, उसका असर आपके फाइनेंस पे होगा, उसका असर आपके रिलेटिव्स पे होगा, आपके मोहल्ले पे होगा, आपके नगर पे होगा। आपको मालूम है कि नहीं? जब आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ है उसका असर सब जगह होगा। परमेश्वर ने कहा यहोशू जो पर्सनल रिलेशन तेरा मेरे साथ है तो इधर नहीं होगा उधर नहीं होगा, और मैं इसराइलियों को वही देश दूंगा जो मैंने उनसे वायदा किया है। तू इनकी अगुवाई कर, जैसा मैं मूसा के संग था वैसा मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया। उनकी सफलता इसराइलियों की यहोशू के व्यक्तिगत संबंध जो उसके परमेश्वर के साथ होने थे उस पर निर्भर करती थी। अपने पड़ोसी से पूछो तेरे परमेश्वर के साथ संबंध कैसे हैं। पूछो अपने पड़ोसी से फिर से, बोलो प्रभु के साथ रिश्ता कैसा है, थोड़ा ऊंचा नीचा हो रखा है कि सीधा सीधा है। हालेलुया। जितना रास्ता सीधा होगा उतना हम ही सीधा चलेंगे, और जितना हम टेढ़ा मेढ़ा रखेंगे उतना हम ही झटकोले खाएंगे। परमेश्वर ने कहा तू उस देश का अधिकारी इनको कर देगा, पर मैं तुझसे कहता हूं व्यवस्था की पुस्तक से ना दाहिने मुड़ना ना बाहिने मुड़ना, दिन रात अपना ध्यान इन्हीं पे लगाए रखना। हालेलुया हालेलुया। जब आप टेस्टमनीज को देखते हैं, बड़ी बड़ी टेस्टमनीज को हम देखते हैं, मुझे आज भी याद है छत्तीसगढ़ क्रूसेड में जब हम गए तो उस समय जब मैं और मेरी वाइफ हम रूम में हम प्रेयर कर रहे थे और मैं खिड़की के पास बैठा था, और मैं सुबह का बैठा हूँ शाम तक ऐसे ही बैठे रहा, वो देख रही है यार बंदा उठता ही नहीं प्रेयर जो हो गए। एक सिंगल रूम था ना, तभी बाहर गए थे तो वैसे तो मैं अपने प्रेयर रूम में होता हूँ। सुबह से लेके शाम तक जब प्रेयर हुई, सुनो मेरी बात, मुझे इंग्लैंड में लोग लेने आए, आपको चलना है, आपको ये मार्केट जाना है, वो जब क्रूसेड हुआ मैं किसी जगह नहीं गया और सीधा वापिस। बोलते यार ये कैसी लाइफ। लेकिन जब लोग मिरेकल्स को देखते हैं, कामों को देखते हैं, उन्हें मालूम होता है कि जो अगुए की लाइफ है वो आम लोगों की जैसे नहीं। अगर वो वैसी ही लाइफ जिएंगे जो आम लोग जी रहे हैं तो उनकी लाइफ में फिर रिजल्ट भी वैसा ही होगा जैसा आम लोगों की लाइफ में। अगर आपने बड़ा स्टैंड लिया परमेश्वर के लिए तो फल बड़ा है, आपने थोड़ा लिया तो फल थोड़ा है, आपने ज्यादा गुड़ डाला तो चाय मीठी है, नहीं डाला तो फीकी है, तो सीधी बात है। हालेलुया। और जब क्रूसेड पे शाम को लोग टेस्टमनीज दे रहे थे कि मैं पागल था, किसी को रेबीज थी, किसी को कुत्ते की तरह भौंकते थे, बच्चा ऐसा था रेबीज थी, वो हील हुआ, डिलीवरेंस हुई, हीलिंग हुई, ब्लाइंड ये वो सब, व्हील चेयर्स, तब हमें मालूम होता है कि हमें वो प्राइस पे करना है जो हम देखना चाहते हैं अपनी आंखों से, अपने परिवार को, अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को ब्लेस होते हुए, अपने परिवार को कर्ज से निकलते हुए। किसी के जीवन में कर्ज है मौत का, परिवारों में मौत होती जा रही, फाइनेंशियल ट्रबल का कि जितना मर्जी कर लो फाइनेंस में कभी ब्लेसिंग नहीं। इन कर्सेस से आपको एक ही चीज आजाद कर सकती है,
आपका स्टैंड, आपका व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ जो आपको रखना होगा। परमेश्वर ने कहा वो सारे देश में तुम्हें देने के लिए तैयार हूं, वो सारे वायदे में पूरा करने के लिए तैयार हूं, पर तू मेरी व्यवस्था से कभी भी इधर उधर मत होना और दिन रात इस पर ध्यान देना, इस तेरे मुंह से निकला करें, अपने मन से इन्हें उतरने मत देना, दिन रात इन्हें बोलना, हियाब बांधना यानी दृढ़ होना, यानी कि तुम हिलना मत, डरना मत, घबराना मत, मुसीबतें परीक्षाएं आएंगी लेकिन तुम इधर उधर मत होना। वो सब देश, सब वायदे जो मैंने तुमसे किए हैं मैं तुमको दे दूंगा, अपने व्यक्तिगत संबंधों को मेरे साथ पूरा रखना। आमेन। हमें लगता है हमारी वाइफ प्रार्थना कर रही है, हमें जरूरत नहीं प्रेयर की, मैं तो बिजी हूं, मैं तो जी कंस्ट्रक्शन का काम करता हूं, दिन रात वहीं रहता हूं, पर मेरी वाइफ प्रार्थना करती है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जेंट्स की प्रार्थना लेडीज से ज्यादा होनी चाहिए घर में, क्योंकि परमेश्वर ने आपको अगुआ ठहराया। जब अगुवाई अंधा है तो घर कहां जाएगा? अगर अगुवाई अंधा है तो बाइबल कहती है अंधा अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता, दोनों गड्ढे में गिरेंगे। वाइफ प्रार्थना करेगी वो घर को संभाल पाएगी, वाइफ प्रार्थना करेगी ऐसी चीजों को देख पाएगी जो सही नहीं उसके बच्चों में, उसके पति के, उसके फाइनेंस के, उसके घर में, उन चीजों को वो ठीक कर पाएगी। हस्बैंड प्रार्थना करेगा परमेश्वर उसकी अगुवाई करेगा आगे बढ़ने में, ग्रो करने में, वो चीजें हासिल करने में जिसके लिए परमेश्वर ने उसे बुलाया है। अगर हम बोलते हैं हम तो जेंट्स हैं, मैं तो जब ये चर्च शुरू होने से पहले जब मीटिंग्स देखता था तो जेंट्स लोग वर्शिप में तालियां तक नहीं बजाते थे, ऐसे बैठते थे सामने सामने अनॉइंटेड वर्शिपर पूरा जोर लगा रहा है और पूरा आग गड्डी पई है पंजाबी के अंदर और बंदे देख रहे थे। हाँ हाँ बहुत बढ़िया, एक अद्धी गजल होर सुना हो। लेकिन अगर आप अब देखेंगे वर्शिप करते पंजाब में सब एक समान, लेडीज जेंट्स सब झूम के नाच के, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा तेरे व्यक्तिगत संबंध मेरे साथ कैसे, और यही डिपेंड करता है कि तू उन वायदों को पूरा ले पाएगा कि नहीं जो मैंने तेरे साथ किए हैं। वो सारे वायदे मैं तेरी लाइफ में पूरा करूंगा जो इम्पॉसिबल है, वो तेरे परिवार का हो, तेरे फ्यूचर का हो, तेरी लाइफ का हो, तेरे कैरियर का हो, तेरे फाइनेंस का हो, पर तेरे मेरे साथ व्यक्तिगत संबंध कैसे हैं। हालेलुया। या तो आप परमेश्वर को अपना प्रथम स्थान दे दो, या सिगरेट को दे दो, या टीवी को दे दो, या शराब को दे दो, या तंबाकू को दे दो, या व्यभिचार को दे दो, या फेसबुक को दे दो, या परमेश्वर को दे दो, तो या YouTube को दे दो, या सारा दिन मोबाइल में लगे रहो, या परमेश्वर के साथ बातें करने में लगे रहो। जितना हम परमेश्वर के करीब जाएंगे उतना वो हमारे लिए हेवन ओपन कर देगा, जितना हम परमेश्वर के करीब जाएंगे उतना हमारी आईज ओपन होंगी और वो देख पाएंगे जो पहले देख नहीं पा रहे थे। एक व्यक्ति आज स्पिरिचुअल हो सकता है और कल शरीर में हो सकता है, अभी स्पिरिचुअल हो सकता है, एक घंटे बाद वो शरीर में भी हो सकता है। ये फाइट है जिसे हमने लड़ना है। आमेन। इस फाइट को लड़ना है और जीतना है, अपने लिए जीतना है, परिवार के लिए जीतना है, देश के लिए जीतना है। अगर हम ब्लेस होंगे तो सब ब्लेस होंगे, अगर आप ब्लेस होंगे तो हमारा घराना बचाया जाएगा, तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। परमेश्वर ने कहा, उसने कहा अगर तू परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करेगी तो तू अपने घराने समेत नाश हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर किसी तरीके से अपनी जाति को बचा लेगा लेकिन तेरा कुछ नहीं होगा। जब परमेश्वर आपको बोलता है ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करना है, वो करना है, तो इसका मकसद परमेश्वर नहीं, इसका मकसद आप लोग ही हैं, इसका मकसद आपका परिवार ही है, इसका मकसद आपका फाइनेंस, आपका फ्यूचर, जिसे परमेश्वर देखना चाहता है एक लेवल पे, वो ही है। ग्रेस को ग्रहण करो आज खुदा के साथ चलने की। हर एक अनहोली, अनगॉडली हर वो चीज जो शैतानी लाइफ से आउट हो अभी यीशु के नाम में, हर वो चीज जो पाप से उत्पन्न हुई आपकी लाइफ में, आपको झगड़ा हुआ है, होली गोस्ट फायर आपके सिरों पे आए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। चाहिए बरकत आपकी चर्च। हालेलुया, हालेलुया। तैयार हैं व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत करने के लिए, तौबा करने के लिए। आमीन। तौबा करने के लिए कि खुदावंद मैं तौबा करता हूं, अपने संबंधों को तेरे साथ मजबूत करता हूं। लाइफ में मौसम आते हैं, बारिश आती, तूफान आता है, सर्दी गर्मी, स्पिरिचुअल लाइफ में मौसम आ सकते हैं जहां आपको लगता है खुदावन काम कर रहा है बहुत अधिक, एक मिनट में सुन रहे हैं, सुबह प्रार्थना कर रहा हूं शाम को सुन रहे हैं, ऐसा मौसम भी आएगा जब आपको लगेगा कि परमेश्वर बिल्कुल सुन नहीं रहा, वो कहां है, मेरी लाइफ में काम क्यों नहीं हो रहा।
हर मौसम में आपको खुदा के साथ वफादार रहना होगा, अपनी वफादारी साबित करनी होगी, फेथफुलनेस साबित करनी होगी। हालेलुया। उसने कहा अगर मैं किसी को पुत्र बनाता हूं तो कोड़े लगाता हूं, अगर तेरे कोड़े नहीं लगे, तेरी परख नहीं हुई, तो तू अभी जायज संतान नहीं। उसने कहा नाजायज संतानों की कोई परख नहीं करता, लेकिन जायज संतानों की परख होती है। अगर तेरी परख हो रही है तो थैंक्स कर, अगर वो पुत्र बनाता है तो कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। आपको अपनी फेथफुलनेस साबित करनी, अपनी वफादारी साबित करनी, परमेश्वर के साथ चलना है। आप, मैंने लोगों को देखा है जब वचन मालूम नहीं होता तो उनके सवाल भी, उनकी प्रेयर रिक्वेस्ट भी मूर्खता रूपी, मूर्खता से भरी होती। खुद शराब पीते आकर बोलेंगे मेरी वाइफ की हीलिंग के लिए प्रार्थना करना, खुद बाहर औरत रखी होगी आगे बोलेंगे मेरे फाइनेंस के लिए आप प्रेयर करना, ऐसे लोग मैंने देखे हैं खुदा की सेवा में। वे विचार किया बीमार हो गए, आगे बोलेंगे मुझे थायराइड है मेरे लिए प्रेयर करना। और लोग बोले यार तू, अगर पास्टर्स की आंखें खुली ना हो वो गिर जाते हैं हमेशा, मालूम उनको लगता है सब तरफ बीमारियां ही बीमारियां हैं, पर वो उसका कारण नहीं ढूंढ पाते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैंने निकाले हैं चर्च से। पहले व्यभिचार किया, उसके बाद हमें प्रॉब्लम है। मैं कभी भी टीम मेंबर्स के लिए ऐसे प्रार्थना नहीं करता हूं। मुझे मालूम है तुम हीलिंग अनॉइंटिंग के नीचे हो, अगर ग्रेस तुम्हारे ऊपर होगी वो नजर आ जाएगी। अगर तुमने इतने साल कुछ सीखा होगा तो वो नजर आएगा, लेकिन अगर तुम गुनाह में फंसे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। उससे कहा अगर तू कुछ नहीं करेगी तो परमेश्वर तो कहीं ना कहीं से काम कर देगा, पर तू अपने घराने समेत नाश होगी। इसलिए उसने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। इसलिए मैंने जब परमेश्वर को ग्रहण किया, खुदा ने मुझे बुलाया, उसने मुझे ढूंढा, तो मैंने अपने परिवार को प्रीच नहीं किया, मैं परमेश्वर में चला, खुद बचा, मेरा परिवार बचाया गया। हालेलुया। क्योंकि वचन से बाहर होकर आप कुछ नहीं कर सकते। अगर उसने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, तेरा फाइनेंस बचाया जाएगा, तेरे बच्चे बचाए जाएंगे, माता पिता बचाए जाएंगे, तेरा सारा हाउस होल्ड, उसमें फाइनेंस भी आता है, उसमें सेहत भी आती है, उसमें परिवार भी आता है, वाइफ भी आती है, हस्बैंड भी आता है, सर सब आते हैं, वो बचाए जाएंगे अगर तू बचाया जाएगा तो। उसने इसलिए आपको बनाया था कि आप उसके साथ संबंध को स्थापित कर सके। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले समय में, आने वाले कुछ हफ्तों में इस अनॉइंटिंग को हम और गर्म होता हुआ देखेंगे। अभी वो टाइम आ चुका है, वो टाइम आ चुका है। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंचों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।